नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, ग्लोबल बाजार में किस तरह का एक्शन है, एशियाई बाजारों की शुरुआत, और इसके बाद हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे आज की रणनीति। और इसके अलावा ट्रेडिंग के लिहाज से मौके कहां पर देखने को मिल सकते हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आज के खबरों वाले शेयर्स। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि काफी सारा एक्शन अगले आधे घंटे में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे एशियाई बाजारों से, और आज हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट से संकेत काफी अच्छे मिल रहे हैं, स्पेशली गिफ्ट निफ्टी 20,000 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। थोड़ी मिली जुली शुरुआत है। अगर बाकी इंडाइसेस देखेंगे तो हांगकांग के बाजारों में करीब 0.5% से ज्यादा की गिरावट है, कोरिया के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं, जापान के बाजार हरे निशान में हैं, चीन के बाजार भी देखेंगे तो सपाट ही यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बात करें तो ठीक ठाक ही संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं एशियन मार्केट से, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सपाट शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है एक रेंज में एशियन मार्केट की। और यूएस के बाजार और बाकी दुनिया भर के बाजारों को भी देखें तो यहाँ से भी संकेत अच्छे ही हैं, क्योंकि लगातार अब यही बात की जा रही है कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर था, उसकी जो संभावना थी, अब वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। और अब 0% ये अनुमान निकल कर आ रहा है कि आगे शायद ज़्यादा हाइक्स देखने को ना मिले, और इसी पर फोकस कर रहा है इस वक्त मार्केट, और यही ट्रिगर का काम कर रहा है इस वक्त अमेरिकी बाजारों के लिए। हम बहुत ज़्यादा तेज़ी तो यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन संभले हुए हैं अमेरिकी बाजार, इन स्तरों पर एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 और 13 दिसंबर को फेड की बैठक होगी और उसमें यही माना जा रहा है कि कुछ चेंजेस यहाँ पर ना दिखे। हालांकि कटौती जल्द शुरू हो गया नहीं, लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन बाजार इस वक्त कॉशियस है और कॉशियस के माहौल में फिलहाल एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। तो यहां से कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन दिखता है तो उससे भी बाजार को सपोर्ट मिलने का काम यहां पर दिखाई देता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो हमने देखा बोइंग, नाइकी, वॉलमार्ट जैसे शेयरों में तेजी आई, जिसके चलते डाउ जोन्स की तेजी को सपोर्ट मिला। और इसके अलावा नैसडैक में भी कुछ टेक कंपनियां थी जहां पर की 5-6% की तेजी हमने देखी है। इसके अलावा अब क्योंकि बाजार में ये बात की जा रही है कि ब्याज दरों में और बढ़त की संभावना नहीं है, उसके चलते बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई है, अब 4.3% के आसपास बरकरार है। और डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है, 103 का भी लेवल टूट चुका है और 102 के आसपास कारोबार करा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि अब रेट हाइक में बढ़त नहीं होगा इसको फैक्टरिंग करके चल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, ना यहाँ से ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और कोई ट्रिगर का ही वेट रहे हैं जिसके बाद शायद हम यहाँ से हल्की तेजी देखें, लेकिन फिलहाल एक रेंज में कारोबार हो रहा है। इस बीच कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान भी आ रहे हैं। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का कहना था कि इकोनॉमी में स्लो डाउन लाने के लिए पॉलिसी फिलहाल सही दिशा पे है, जिस तरह से पॉलिसी का स्टैंस है, रुख है, महंगाई जल्द ही 2% के लक्ष्य के पास आते हुए भी दिखाई देगी। तो इस तरह के कॉमेंट्स भी हैं जो कि बाजार को पसंद आ रहे हैं। यूरोप के बाजार से संकेत भी ठीक ठाक है, सपाट कारोबार यहाँ पर भी देखने को मिला। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आ रही है और बॉन्ड यील्ड स्टेबल हुए हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं सोने में तेजी दिखी। लगातार चौथे दिन सोने में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था और 6 महीने के ऊपरी स्तर पर गोल्ड में ट्रेड होता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में भी कल 2% की तेजी थी और जितने भी फैक्टर्स थे वो कच्चे तेल की तेजी को सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ ओपेक प्लस देशों की बैठक है कल, जिस पर की नजर रहेगी, सप्लाई कटौती और आउटपुट कटौती को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। इसी के साथ ही साथ डॉलर में भी कमजोरी आई, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है और तूफान के चलते कजाकिस्तान ऑयल आउटपुट में भी कमी का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि तेल की तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमने कल के सेशन में देखा कि 2% की तेजी कच्चे तेल में कल देखने को मिली, तो उसका कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इंपैक्ट आज भारतीय बाजारों में ऑयल एंड गैस कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करें तो एक रेंज में ही कल भी यूएस के बाजार और दुनिया भर के बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दिए। तो चलिए, ये तो बात हुई विदेशी बाजारों से संकेत की, एक बार एफआईआई और डीआईएस की भी आंकड़े देख लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से हमने लगातार दूसरे दिन खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है, 780 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआई की। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी संकेत
संकेत अच्छे हैं। 1324 करोड़ की खरीदारी यहां पर नजर आ रही है। इंडेक्स फ्यूचर में नेट नेट 31 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन में 34,000 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। अब कल है एक्सपायरी भी, तो सीरीज की एक्सपायरी होगी। अब उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, आज का ट्रेड कैसे रह सकता है, मार्केट की चाल कैसे होगी, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर लेवल्स समझाने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, आज के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे? शुक्रिया पूजा, गुड मॉर्निंग। अगर आप कल का सिर्फ लास्ट का एक डेढ़ घंटे का ट्रेड देखेंगे तो आपको टिपिकली जो शॉर्ट कवरिंग की फीलिंग होती है वो मार्केट के अंदर आएगी। इससे पहले 1 बजे तक बाजार के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा था, रेंज का मार्केट था, लेकिन 1 बजे के बाद एक आईटी स्टॉक्स के अंदर थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमको रिलायंस के अंदर आती हुई देखी है। तो टिपिकली एक्सपायरी फैक्टर है, आप एक्सपायरी से पहले बाजार को दबाते हैं जो ट्रेडर्स शॉर्ट करके बैठे होते हैं। अगर मार्केट नहीं दब रहा और रेजिस्टेंस के आसपास 2 या 3 बार क्लोजिंग दे रहा हो तो उसके बाद आपकी इच्छा शक्ति टूट जाती है कि बाजार नहीं दबेगा, कुछ हद तक उनकी वजह से भी था। और साथ ही मैं बोलूंगा थोड़ा सा एफआईज ने कल फिर से अपनी लॉन्ग होल्डिंग्स को बढ़ाया है, अब करीब 23% लॉन्ग होल्डिंग्स हो चुके हैं। इस पूरे महीने के अगर आप एवरेज निकालेंगे तो करीब वो निकलेगी 19.1%, जिसमें करीब 16% 13% के लो भी लगे हुए हैं और जिसमें करीब 28% का हाई भी है। तो एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए बाजार आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। नहीं तो अगर एक ही दिन में 5% बढ़ जाए तो आप कल ही कल में 20,000 हो जाते, बट फिर भी मार्केट के अंदर अभी आपको एक काम करना चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि बायसनेस पॉजिटिव है और हमें लगता है कि एक्सपायरी से पहले एक बार 20,000 मार्केट दिखा सकता है, जिसके चांसेस प्रबल है। कल की एक शॉर्ट कवरिंग के बाद और चांसेस प्रबल हो गए हैं, यानी कि तेज हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे हमारे एनालिसिस को। और दूसरा, अब आपको स्टॉप लॉस को थोड़ा और एक्सीड कर लेना है। पहले हमने आपको 700, 600, 500 वाले स्टॉप लॉस बताए थे निफ्टी पर, अब उसको एक्सीड करके आप 800 की कैटेगरी में भी ले आइए, क्योंकि 3 दिन बैक टू बैक 800 के ऊपर क्लोजिंग और कल 850 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है हमको। अब आपको टारगेट जो रखना है वो 20,000 का रखना है टिल एक्सपायरी तक, उसके बाद तब की तब देखेंगे। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर कल 43,500 अच्छे से प्रोटेक्ट होता हुआ दिखा, 43,800 को हमने बार बार रिटेस्ट किया, फ्यूचर्स पहुंच गए हैं 44,000 में, तो 44,000 के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग होगी। तो आज का दिन हो सकता है टिपिकली बैंक्स के लिए शॉर्ट कवरिंग का दिन भी रहे, तो आपको एक काम करना है अपने स्टॉप लॉसेस को और ट्रेल कर लेना है। 43,800 अब आपका नियर बाय स्टॉप लॉस बन जाएगा, अब वहां पे रख के थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज 43,500 भी चल जाएगा। स्टॉक्स स्पेसिफिक आप काम कीजिएगा, जहाँ पे रोल ओवर के डाटा अच्छे और खराब है सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे। जिनमें एवरेज रोल ओवर है वहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस वालों को कल भी हमने इंट्राडे काम करना चाहे तो कर सकते हैं, कल खुद हमने अपने ही शो में 19,900 की कॉल प्लस करवाई थी, और अगर आपके पास वो पड़ी हुई तो कल आपने 20-25 पॉइंट तो क्लोजिंग में कमाए हैं। आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि शायद थोड़ा आपको ओपनिंग में और उसका लेवल का गेन मिल जाएगा। सिलेक्टिव रखिए अपने आपको, बट पक्के ट्रेड रखिए, तो इसी मार्केट के अंदर, इसी रेंज वाले मार्केट के अंदर भी पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्टिव अप्रोच रखिए, मार्केट अभी भी रेंज बाउंड ही दिखाई दे रहा है, लेवल्स को प्ले करने की कोशिश करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए तो वहां पर पैसा बनने की उम्मीद है। ये है सलाह डिम्पी की। डिम्पी बहुत धन्यवाद आपका ये एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। लेकिन ऐसे बाजार में ट्रेड कहाँ करें ये भी एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ रणनीति देने के लिए एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए, बताइए आज आप ट्रेड के मौके कहाँ देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग, और बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, हाइट ऑफ आरबिटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर सपोर्ट से अपसाइड देखने मिला है। तो अभी भी हमें लग रहा है कि निफ्टी में अपसाइड देखने मिल सकता है। 20,100 निफ्टी फ्यूचर्स के रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक आप देखने मिल सकता है। जहां सपोर्ट की बात करें 19,800 का नाउ सपोर्ट बन रहा है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा टाटा पावर। ओवरऑल हम देख रहे टाटा पावर में अच्छे एक मोमेंटम देखने मिला था, स्टॉक में हमने कल एक ब्रेकआउट भी देखा विथ वॉल्यूम, तो टाटा पावर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 261 का, टारगेट है 284। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हाई टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो टीवीएस मोटर खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 1790, टारगेट है 1870।
ठीक है, तो टीवीएस मोटर्स 1870 के टारगेट्स के लिए और टाटा पावर 284 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। अब चलते हैं शरद के पास, हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से वो जुड़ चुके हैं खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स का भी मैं बता दूं, आज जो है आयरेडा का लिस्टिंग होने वाला है। ये रिन्यूएबल आर्म है फाइनेंसिंग की, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट का, और यहाँ पे आईपीओ प्राइस 32 रुपीज पर शेयर है। सब्सक्रिप्शन लेवल्स भी देखें तो ऑलमोस्ट 39 टाइम्स देखने मिला है, और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम कह रही है, एक्सपेक्टेड है कि एक प्रीमियम लिस्टिंग आयरेडा का हो सकता है। तो ये जो है अहम लिस्टिंग इस हफ्ते में, सबसे पहला लिस्टिंग आएगा आयरेडा का। अब खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो खबर है वो है एस्टर डीएम हेल्थकेयर। ये अपनी जो गल्फ की बिजनेस है वो प्रमोटर कंट्रोल्ड एंटिटी को जो है बिकवाली करने वाले 1.01 बिलियन डॉलर्स का कंसिडरेशन पे। अब ये हमारे ईटी नाउ स्वदेश के खबर पे मुहर भी लग गई है, और हमने लास्ट ईयर सितंबर को ही बताया था कि उनकी गल्फ की बिजनेस जो है रिस्ट्रक्चरिंग में जाने वाली है। अगर इस डील के बारे में बताएं तो ये डील का जो कंप्लीशन है 4th तिमाही FY24 तक रहेगा। याद रखिए एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और इस ट्रांजैक्शन में जो एंटिटी बनेगी उसमें तो प्रमोटर्स रहेंगे, उसके साथ साथ एक पी फर्म भी रहेगा जहां पे लगभग 65% फंड पी देगा और 35% फंड जो है प्रमोटर रिलेटेड एंटिटी के पास रहेगा। आगे जाते हुए इंडियन बिजनेस पे फोकस रहेगा, और याद रखिए इम्पोर्टेंटली जो इन्वेस्टर्स है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है आप, तो यहाँ पे जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को आपको सिर्फ इंडियन बिजनेस ही मिलेगा। और इम्पॉर्टेंटली आगे जाते हुए जो है रिवॉर्ड भी कंपनी कर सकती है, मैनेजमेंट का कमेंट्री आया है। पीसीबीएल में भी बड़ी एक्विजिशन हुई है, एक्वा फार्म केमिकल्स 3800 करोड़ में जो है एक्वायर किए हैं, और ये ऑफकोर्स मूव कर रही है कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। और ये डील हुई है 9.1x FY23 EV/EBITDA मल्टीपल पर हुई है, यानी कि डील जो है वैल्यू एक्रेटिव हुई है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, और इसके कारण जो है मार्जिन प्रोफाइल और री रेटिंग देखने पीसीबीएल में मिल सकता है, और हमने इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली थी। सीमेंस के नतीजे आए हैं सेप्टेम्बर क्वार्टर के, बात करें तो रेवेन्यू पैट एबिडा तीनों और पे जो है एस्टिमेट्स को बीट किया गया है, एग्जीक्यूशन में इंप्रूवमेंट आई है, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी एक अच्छा मूवमेंट आया है। 416 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट आया है पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए भी। जुबिलेंट फूडवर्क्स में डीपी यूरेशिया एनवी के जो स्टेक है, जो ये डोमिनोज ऑपरेट करती है अजरबैजान टर्की में, उनको वो अपना स्टेक पूरा बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर लाने वाले हैं। ऑर्किड फार्मा यूटीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 4.5 लाख शेयर्स की जो है खरीदारी की है। वही टाटा पावर की जो आम है 200 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की जो अवार्ड मिली है एसजीवीएन से। हैवल्स ने भी लॉन्च किया है अपना लॉयड जो एसी का ब्रांड है मिडल ईस्टर्न मार्केट में, और इम्पॉर्टेंटली फोर्टिस हेल्थकेयर का एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आया है, जहां पे जो सिविल फाइट सूट हुई थी फरवरी 2018 में, वहां पे कोर्ट ने उसे खारिज कर दी है, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है स्टॉक में। लेकिन आखिरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है जोमैटो। यहां पे आज ब्लॉक डील हो सकती है, जहां पे अलीबाबा ग्रुप की जो आम है ऑलमोस्ट 3.5% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू लगभग 3,300 करोड़ तक हो सकता है। ये जो डील प्राइस है वो लगभग 111 रुपये प्रति शेयर पे है, और करंट मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पे है लगभग 2% का। तो यहाँ पे जो है स्पेशली जो डील और एक्विजिशंस के जो है ज़्यादा न्यूज़ फ्लो आज दिन के ट्रेड में देखने मिलेंगी, और इसकी इंपैक्ट होगी जो उस पर हम ट्रैक रखेंगे। बिल्कुल, तो आज इन तमाम खबरों का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शरद ने पूरा एनालिसिस भी करके आपको बताया, इसमें एस्टर डीएम जोमैटो जैसे स्टॉक्स आज ब्लॉक डील होने की संभावना है, और सीमेंस के नतीजे भी आज आए तो उस पर भी नज़र रहेगी, और इसके अलावा प्राइमरी मार्केट में लगातार एक्शन बना हुआ है, उसका भी एक एक अपडेट हम आपके सामने रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, वहां पर भी काफी सारा एक्शन देखने को मिल रहा है, स्पेशली सोने चांदी में। तो शुरुआत करते हैं हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के एमडी और रिसर्च हेड अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच इजना स्वदेश को समय देने के लिए। तो पहले तो सोने में राय दीजिए, शानदार तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 62,000 के भी के लेवल्स के ऊपर अब सोना पार कर चुका है, तो क्या करना चाहिए तेजी और कितनी टिकाऊ रह सकती है? कोई फ्रेश रीडर है अगर तो क्या करंट लेवल्स पर एंट्री लेने की सलाह देंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी, डेफिनेटली कल बड़ा दिन था जहाँ पे हमने सोने को लाइफ टाइम हाई डोमेस्टिक मार्केट पे लगते हुए देखा, 62,000 के ऊपर भी निकलता हुआ दिखाई दिया। कल सोने ने एमसीएक्स पे करीबन 62,300 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में फॉल और साथ फेड से अब ये उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट जल्द 2024 में हो सकता है, जिसके बाद ये रैली बनी है। तो टाइमिंग थोड़ा सा ओवर लीवरेज जरूर है मार्केट,
तो मुझे लगता है कि 62100 तक के पुल बैक पे लेके चलिए, 61900 का स्टॉप लॉस रखिए, 62650 का इमीडिएट टारगेट है। पर जिस ढंग से अब क्लैरिटी मिल रही है तो ईयर एंड तक पॉसिबल है हम 63-63.5 के ऊपर भी जाते हुए देखेंगे सोने को। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड, चांदी थोड़ी सी डाउनसाइड मतलब ज्यादा बड़ा पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि चांदी भी इस चीज को पार्टिसिपेशन में कंटिन्यू, फिर भी चांदी 75,000 के ऊपर मेंटेन है। तो आज के लिए 74900 के करीब लेके चलिए, 75800 का इमीडिएट टारगेट है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चांदी भी सोने को ओवरलैप करती हुई दिखाई देगी। तो चांदी में भी वो तेजी आ सकती है, थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन करंट लेवल पर खरीदारी के अच्छे मौके हैं और सोने में भी आप तेजी करके आगे भी चल सकते हैं अगर आप ट्रेडर्स हैं तो। और अजय, कल हमने देखा कि कच्चे तेल में भी 2% तक की तेजी देखने को मिली है और सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल तो कच्चे तेल की तेजी को। कल ओपेक प्लस की बैठक भी होगी, उसके पहले क्या रणनीति अपना के चलें? कच्चे तेल में कंटिन्यू दबाव है, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि ओपेक मेंबर्स के बीच में असहमति बनी हुई थी, लेकिन अब जो मीटिंग है उसमें ये लग रहा है कि जो सऊदी है वो जो प्रोडक्शन कट है वो एक साल के लिए आगे बढ़ा भी सकता है, और साथ में जो अदर मेंबर्स में जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी प्रोडक्शन कट को लेकर वो भी अब सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही, जिसकी वजह से प्राइजेस में रैली आया। साथ में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है ये भी प्राइजेस को सपोर्ट कर गया, तो टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड होने की वजह से प्राइजेस में गेन कल हमने देखा लगभग 2% से ऊपर का, आज भी ये गेन कंटिन्यू रहेगा। 6380 पे लेके चलिए, 6280 का स्टॉप लॉस रखिए, हायर साइड पे 6550 तक के टारगेट। वहीं ब्रांड क्रूड भी इंटरनेशनल में 84 से 85 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। ओके अजय, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड सिल्वर करके चलिए, क्रूड में भी तेजी करने की सलाह है, मेटल्स में आपको एक बार बता देते हैं कि मेटल्स में भी अजय खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, कॉपर और जिंक में तेजी करके चलिए, ये दो ये सब ट्रेडिंग आइडियाज यहां पर अजय की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन सी रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंपनियां हैं, इसका अपडेट देने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम PCBL के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने कल ही एक एक्विजिशन अनाउंस किया है 3,800 करोड़ का एक्वा फार्म केमिकल्स का, और इसी पर काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। GM फाइनेंशियल्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और नुवामक की तरफ से खरीदारी की राय जरूर है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 279 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। लास्टली ये ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि एक्विजिशन के चलते बिजनेस मॉडल और मार्जिन अपग्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते री रेटिंग ड्राइवर है ये कंपनी के लिए। कंपनी फुल लेजिट केमिकल्स कंपनी बनना चाह रही है और ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है कंपनी के लिए। ट्रांजैक्शन जो है वो EPS और EBITDA अक्रेटिव हो सकता है एक साल का एक्विजिशन के एक साल बाद, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि PCBL फोकस में है। इसके अलावा सीमेंस के नतीजे आए थे कल और नतीजों पर हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से रिपोर्ट आए हैं। नुवामा ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाया है। एक्सिस कैपिटल की तरफ से ऐड की रेटिंग आ रही है टारगेट प्राइस 4,184 के साथ। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी मजबूत नंबर्स है, ओवरऑल अनुमान से बेहतर जरूर आए हैं और इनफैक्ट पीयर्स के मुकाबले सीमेंस बेटर प्लेस्ड है उनके प्रोडक्ट ऑफरिंग्स के चलते। मगर फिलिप कैपिटल का कहना है कि ऑर्डर इन्फ्लो जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो अनुमान से थोड़ा सा कमज़ोर है, इसी के चलते कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है उसकी सस्टेनेबिलिटी पर थोड़े सवाल उठते हैं। इसी के चलते फिलिप कैपिटल ने सीमेंस पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा टारगेट प्राइस 3,400 के साथ। फिनोलेक्स केबल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। जेफरीज का कहना है कि कंपनी पीयर्स के मुकाबले एक स्टीप डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, सेकेंड हाफ में डिमांड के लिए काफ़ी अच्छे ट्रिगर्स नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मार्जिन क्रिएटिव सेगमेंट्स में भी बेहतर ट्रैक्शन आने की वजह से कंपनी को फायदा हो सकता है, जिसके चलते जेफरीज ने फिनोलेक्स पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। मणप्पुरम फाइनेंस पर अगर हम देखें तो BNK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि RBI की तरफ से जो रिस्क वेट को लेकर मेजर्स आए थे इसका इम्पैक्ट कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी पर लिमिटेड होगा, मगर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स करीब 15 से 25 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकते हैं और ये कंपनी कंफर्टेबली पास ऑन कर पाएगी। AUM ग्रोथ की गाइडेंस उन्होंने बरकरार रखी है टारगेट, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि BNK ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है मणप्पुरम फाइनेंस पर, टारगेट प्राइस अनचेंज रखा है 194 प्रति शेयर पर। आखिर में हम फोकस करेंगे बजाज फाइनेंस पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी ने 10 स्टोर विजिट किए हैं और उनका कहना है कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था बजाज फाइनेंस पर EMI फीस और क्रॉस सेलिंग को लेकर, इसमें इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नियर टर्म पर ज़रूर नज़र आ सकता है, मगर दिवाली के बाद सेल्स गिर जाते हैं और इसी के चलते कंपनी के पास काफ़ी अच्छा टाइम है ये सारे प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने के लिए। तो इसी के चलते बजाज फाइनेंस पर जेफरीज की
खरीदारी की राय टारगेट प्राइस 9470 के साथ। तो ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट कमेंट्री थे और टारगेट्स अभी आपको वामाक्षी बता रही थी। थैंक यू सो मच वामाक्षी आपका ये सारा अपडेट हमारे लिए लाने के लिए। अब क्विकली आपके सामने कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी रखेंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज ने पीएनबी में खरीदारी करने की सलाह दी है। 83 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 76 का। और बीपीसीएल की शानदार तेजी, कल की आज भी आप तेजी कर सकते हैं। स्टॉक में 440 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 416 का। 5 पैसा कैपिटल की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही हैं, पहला है गेल, खरीदारी करके चलिए 129 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 123 का। और सुप्रिया लाइफ साइंसेज में भी तेजी करने की सलाह है 295 के लक्ष्य के लिए। तो सभी कॉल्स में आज तेजी करने की सलाह। चलिए आप